एक बहुत बड़े शायर ने कभी कहा है कि बहुत नाज है तुमको अपने नाकामियों पे, कभी हमारे नाकामियां देखी है आपने। ऑन दैट नोट, व्हाट्स गुड यू पीपल, होप ऑल ऑफ यू आर गुड सेफ एंड साउंड एट होम। माय नेम इज प्रतीक एंड आई वेलकम यू टू हार्डेफ एकेडमी। फॉर दोज हु आर न्यू ऑन दिस चैनल, लेट मी इन्फॉर्म यू गाइस दैट वी हैड स्टार्टेड ए इनिशिएटिव ऑन दिस चैनल कि हम इस चैनल के पहले 1 मिलियन टोटल व्यूज के जितने भी पैसे आएंगे हम पूरा डोनेट करने वाले हैं IHCIF, दैट इज इंडियन हेल्थ केयर इम्प्रूवमेंट फंड फॉर आवर कोरोना पेशेंट्स, and to Hemkut Foundation that Bhuban Bam promoted. And from this video, we are going to start a new video podcast series, and I was honored to head our first guest as Olympian Miss Dipa Karmakar. It was an amazing session. I was obviously really nervous, but her smile covered everything. Basically, we had divided this video into 3 parts. The first part was about her struggle, her journey, about her coach, and the second part was a small Q&A session jahan par maine आप सबके क्वेश्चंस पूछे हैं उनको। एंड द थर्ड पार्ट वाज रियली अ फनी गेम, एंड कोइंसिडेंटली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दैट फनी गेम वाज हिलेरियस। सो आर यू गाइस रेडी फॉर दैट हाई टाइड वेव्स ऑफ पॉजिटिविटी, हर एक्सपीरियंसेस एंड फ्यू फनी मोमेंट्स कमिंग अप नेक्स्ट? सो ग्रैब समथिंग टू ईट एंड एंजॉय द पॉडकास्ट। फर्स्ट पॉडकास्ट के आप गेस्ट हो, मतलब खैर ये सब सारा कुछ स्टार्ट कैसे हुआ है? आई मीन जब चाइल्डहुड से अगर हम स्टार्ट करें, मतलब कैसे हुआ है? देखो, सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूँगी तुम्हें, तुम्हारे मम्मी को, क्योंकि इतना अच्छा आज एजुकेशन अगर मैं उसमें जाऊँ तो बहुत ज़्यादा हेल्प रहा उनका, मैं नोमिता दीदी का, और जिस कारण मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग हुआ और बहुत अच्छा मुलाकात एक लाइक फैमिली मेम्बर। तो सच में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि क्योंकि ऐसे पीरियड चल रहे हैं हमारी लाइफ में अभी पूरे लॉकडाउन में कि लास्ट 4 मंथ से हम घर से बाहर भी नहीं जा पा रहे और घर में ही है पूरा बोरिंग, बट उसके हिसाब से भी हम जितना हमें हो सके हम कोशिश कर रहे हैं अपने आप को फिट रखने की और एक्टिव रखने, उसके अंदर हम बहुत सारे इंटरव्यूज भी दे रहे हैं और इसमें जैसे आज तुम आए तो मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू तुम्हें बोलूँगी इतना अच्छा एक टाइम स्पेंड करने के लिए। हाँ, अगर जर्नी की बात शुरू है मेरे लाइफ की, मेरा जिमनास्टिक शुरू हुआ 99-2000 के करीब, 99 लास्ट या 2000, तब मेरे एज तक 5.5। हाँ, मेरा पापा वेट लिफ्टिंग साइकिल था, तो पापा ने, हम 2 बहन हैं, तो उनको ऐसा लगता था कि कोई एक तो कम से कम स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहिए, तो उस हिसाब से मेरी बड़ी बहन को भी डाला था, बट वो बहुत ज़्यादा वीक था, उससे हुआ नहीं। तो इसके बाद उन्होंने सोचा नहीं, जो छोटी है उनको भी डालना है, तो पापा एक कोच है तो उनको लगा कि क्योंकि एक कोच सोच सक जान पाते कि उन कौन सी गेम के लिए सूटेबल है, तो पापा ने मुझे जिमनास्टिक्स में डाला। और तो मेरा पहला कोच है मैडम शुमानंदी मैडम, तो विवेकानंद व्यायामागार से मेरा शुरुआत हुआ। तो सच में बताओ, पहले मुझे इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था और मुझे पता भी नहीं था जिमनास्टिक्स क्या होता है, तो वो सब चीज़ में मतलब मैं जाती थी आती थी और जो कराता था करती थी। तो ऐसे करते करते 2002 में नॉर्थ ईस्ट गेम्स हुआ था त्रिपुरा में, अगरतला में, वहाँ पे मुझे गोल्ड मिला था बैलेंसिंग बीम में, और मतलब शुरुआत वहीं से हुआ था। और मैं पहली बार कंपटीशन खेला सीनियर और पूरे नॉर्थ ईस्ट में उनको बीट करके मुझे ब्रॉन्ज गोल्ड मेडल आया था। तो उसके बाद जो जहाँ पे मैं ट्रेनिंग करती थी विवेकानंद व्यायामागार पे, वहाँ पे इतना अच्छी फैसिलिटी नहीं था क्योंकि एक स्टेज के बाद एक डिफिकल्टीज मूवमेंट आते, तो उसके लिए थोड़ा एडवांस इक्विपमेंट और सब कुछ जो मैं मैडम के पास थी उसमें तो वो करा पाती थी, बट उनके पास इक्विपमेंट नहीं था क्योंकि हम बड़े भी हो जा रहे हैं, एक स्टेप बाय स्टेप भी होते, एक बेसिक वाला स्टेप खत्म हो गया तो उसके बाद थोड़ा डिफिकल्टी। तो उस टाइम हमारे वहाँ पे जो अभी भी अच्छे सेंटर है और अगरतला की बेस्ट सेंटर थी NSRCC,
तो वहाँ पे मुझे शिफ्ट कर दिया उस टाइम की जो सेक्रेटरी थी सर कोमल शाह सर और जो कोच थी मेरा जो अभी कोच है मिस्टर नंदी सर विशेश्वर नंदी सर उनके पास मुझे दिया। तो अब उस टाइम से अभी तक मैं उनके पास ही हूँ और ऐसे ही करते जर्नी शुरू हुआ और बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है क्योंकि आपको पता ही होगा सब लोग जो हम त्रिपुरा में रहते हैं जब हम बाहर जाते उनको पता भी नहीं होता त्रिपुरा कहाँ है और ऐसे एक स्पोर्ट्स जिमनास्टिक्स जो लोग जानते भी नहीं थे और सब सोचते कि वो शायद गर्ल्स का गेम नहीं है और बॉयज है और ऊपर से मैं गर्ल्स थी तो हर एक चीज में पीछे मतलब लड़कियां कुछ नहीं कर सकते कुछ नहीं वो सुन सुन के हम इतना ज्यादा हो गए थे। तो ऐसे ही करते शुरुआत हो गया जर्नी। फिर 2007 एक जूनियर नेशनल हुआ था जलपाईगुड़ी में तो आई थिंक टर्निंग पॉइंट वही था मेरे लिए जब मैंने वो कॉम्पिटिशन में गई तो वहाँ पे 3 गोल्ड 2 सिल्वर आया। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं मुझे एक इंटरनेशनल खेलना है तो मेरे सर और पापा दोनों बोलते थे कि नहीं आपको एक इंटरनेशनल खेलने एक इंडिया को रिप्रेजेंट करने है तो मेरे अंदर भी था नहीं ऐसा करना है। फिर मैं 2009 जस्ट मैं इंडिया कैंप में ज्वाइन किया उसके बाद ही फिर 2009 पे मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन वर्ल्ड चैंपियनशिप वो भी लंदन में था मेरे लाइफ की पहली और मैं 15 ईयर्स की थी। मुझे वीसा मिलने में इतना ज्यादा प्रॉब्लम हुई क्योंकि उस टाइम एनओसी चाहिए क्योंकि यूके का वीसा बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होते हैं और मेरी लाइफ की फर्स्ट कॉम्पिटिशन थी पासपोर्ट में फर्स्ट वीसा तो मतलब बहुत ज्यादा वो था एनओसी चाहिए था। और जब एनओसी लेने में गया दिल्ली में वीसा हो रहा था मैं एक्चुअली हमारी कैंप था मुंबई में तो वहाँ से मैं वीसा के लिए दिल्ली में आई थी वीसा करके फिर रात की फ्लाइट थी मैं मुझे जाना था मॉर्निंग आई वीसा फॉर्म फिलअप करने जमा करने और फिर रात को जाना और मैं एनओसी फॉर्म लेने गई दिल्ली में आकर मैं घूम हो गई। तो बहुत ज्यादा मेरे लिए मतलब इतना अकेली थी मैं अकेली भी 3 मिनट था मतलब हाँ। ऐसा था कि वो क्योंकि लंच पीरियड से पहले हमें जमा करना था और जैसे मैं भाग रही थी और पीछे देखा कोई नहीं और मैं घूम हो गई मेरे पास फोन भी नहीं था क्योंकि तब तो 2009 की बात है मेरे पास फोन था ही नहीं। मैं इतना बुरा हालत कैसे फर्स्ट टाइम एसटीडी में गई फोन किया सर को मैं घूम हो गई घर के तो वो लोग इतना ज्यादा पजल हो गए क्या करेगा वो कहाँ जाएगा कुछ भी नहीं ना एटीएम वगैरह अब कुछ भी नहीं है मतलब इतना बुरा। फिर पता नहीं कैसे कैसे करके मुझे मेरी जो सीनियर दीदी थी उनको अचानक से मिल गया वो लोग भी ढूंढ रहे क्योंकि सर उनको फोन कर रहे वो ऐसे ऐसे करके फाइनली में मिल गई। और जब टीम जाने वाला था मेरा वीसा नहीं आ रहा था ऐसा लग रहा था क्योंकि उसकी उम्र भी कम है और उसको मतलब सबका जमा पहले हो गया था मेरा बाद में हुआ। तो जैसे 6 बजे निकलेगा टीम 5:45 को मेरा कॉल आया कि आपकी वीसा लग गई तो मैं फाइनली गई लंदन। वो तो खैर मतलब अलग ही सिचुएशन बहुत ज्यादा सिचुएशन मतलब इतना खराब एक तो आपको इतना टफ होता है पहले चांस देना जब चांस मिल जाते फिर वीसा का प्रॉब्लम मतलब हर एक चीज की। फिर उसके बाद फाइनली जब मैं फर्स्ट टाइम मतलब गई कि मुझे नहीं फाइनल में जहाँ पापा को फोन किया पापा मैं जाने वाली हूँ मुझे आ गया तो सच में इतनी खुश हुई और मैं मुझे बाद में पता चला पापा बहुत रोई भी उस दिन। फिर फाइनली मेरा फर्स्ट कंपटीशन था लंदन बहुत ज़्यादा बहुत यादगार रहा। मेरे पास उसकी कोई फोटोज़ नहीं क्योंकि मेरे पास फ़ोन भी नहीं था कुछ वो लंदन ब्रिज के सामने हम होटल में थे मतलब रोज उसको ओपन होकर क्लोज जब इतना ज़्यादा वो मेमोरी सिर्फ मेरे अंदर ही रह गया मैं कुछ है ही नहीं मेरे पास मेमोरी। बट उसके बाद से जर्नी शुरू हो गया 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स एशियन गेम्स उसके बाद वर्ल्ड कप उसमें फाइनल पहुँचने गए। उसके बाद मुझे लगा कि जिमनास्टिक्स में अगर आपको कुछ करना है इंटरनेशनल मेडल लाना है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा क्योंकि जब मैंने बाहर फॉरेनर जिमनास्ट को देखा उनकी जब एक्सरसाइज वगैरह देखा तो मैं ऐसे ही देखती रहेगी। मेरी एक सीनियर दीदी मुझे एक थप्पड़ लगाकर बोला पहले खुद का कर लो फिर देखो मतलब मैं इतने ज़्यादा शौक होते हमें बहुत पीछे हम कुछ करें। फिर धीरे धीरे मैंने जब सर से बात किया फिर मुझे थोड़ा फ़ोन मिला एंड्रॉयड नहीं वैसे ही छोटा वाला वो मिला था। फिर हम मतलब सर से डिस्कस करने लगे ऐसे फिर 2010 में हमारी बॉयज़ में मेडल आया था। अच्छा। तो उसके बाद हमें लगा कि नहीं हमें गर्ल्स का भी मेडल लाना है तो क्योंकि उसके बाद जब हम 2011 में कैंप में जाते थे तो हमेशा हमें बोलता था लड़की लोग सिर्फ खाने और टाइम पास करने आते वो लोग कुछ नहीं कर सकते। फॉरेन कोच भी आया था उन्होंने भी ऐसे लाइनअप करके हमें सबके सामने बोला तो उस टाइम मेरे जो कोच थे नंदी सर उन्होंने बोला कि हम क्यों नहीं कर सकते हर एक चीज़ में हम क्यों पीछे। तो वो चीज़ बहुत बुरा लगा उस दिन उनकी आंखों से भी पानी आया। तो उसके बाद सर ने बोला कि हम कर सकते फिर सर ने बोला कि बेटा अगर तुम ये प्रोदोनोवा कर सकते आई थिंक जो जिमनास्टिक का सबसे ज्यादा जानते हैं प्रोदोनोवा तो वर्ल्ड में से पांच ही लोग किया इसको
उसके बाद सर ने बोला कि अगर तुम कर सकते हो तो शायद हमारे लिए मेडल बहुत इजी होगा, और हमारी लड़की लोगों को जो बोलते हैं हम कर नहीं पाते, बहुत पीछे, वो चीज़ हम बहुत ज़्यादा, मतलब लोगों को ऐसा नहीं लगेगा हम नहीं कर सकते, लड़कियाँ भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे मैंने चूज़ किया प्रोटोनोवा। फाइनली जब मैं प्रोटोनोवा किया 2014 कॉमनल गेम्स ब्रॉन्ज है, एंड लकीली उस टाइम बॉयज का नहीं आया, सिर्फ गर्ल्स का आया। उसके बाद आई थिंक गर्ल्स को पीछे देखता ही नहीं पड़ा, उसका 2015 और 16 पता ही है। और उसके बाद 17-18 भी हमारे वर्ल्ड कप में मेडल आया, और मेरे बाद भी और एक दो लड़की लोग भी मेडल आया, एशियन चैंपियनशिप, फिर वर्ल्ड कप, फिर फाइनल पे हर एक कॉम्पिटिशन में लड़कियां फाइनल पहुंच रहे। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं पहले एक लड़की हूँ, और सेकेंडली मैं त्रिपुरा से बिलोंग करती हूँ, क्योंकि आज बहुत जगह ऐसे सब बोलते हैं मुझे, जब हम जाते हैं तो सब बोलते हैं कि अच्छा वो दीपा जो प्रोदनोवा, मुझे बहुत प्राउड फील होता है। और जब जिमनास्टिक्स की बात आती है तो पहले तो प्रोदनोवा आते हैं दीपा के साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लड़की लोग दीपा को भी जाने, प्रोदनोवा और जिमनास्टिक जैसे गेम को वो जाने, और इतना अच्छा। फिर जिमनास्टिक कहीं भी जाते तो सबसे पहले अच्छा एक होप रहते, पहले अच्छा जिमनास्टिक छोड़ो उसे कुछ नहीं, अब ऐसा लगता है जिमनास्टिक हाँ कुछ होप है, शायद मेडल आ सकते। तो अब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं ऐसे एक स्टेट से बिलोंग करती हूँ जो लोग जानते नहीं थे, मैं ऐसे एक स्टेट गेम के साथ जोड़ी हूँ जो लोग उसको सर्कस कहते थे, ऐसे एक का मतलब लड़की हूँ मैं। हाँ। हमेशा हर लोग बोलते हैं लड़कियाँ कुछ नहीं कर, मतलब हर एक चीज में मुझे बहुत प्राउड फील होते हैं वो सब चीज में। और सबसे ज्यादा थैंक यू नंदी सर को, विशिष्ट नंदी सर को, अगर शायद सर ऐसे सपोर्ट नहीं करते, इतना सेक्रीफाइस नहीं करते, तो मैं यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता। नॉट आउट फैमिली की तो बहुत सपोर्ट थी, क्योंकि कभी भी मुझे ऐसा नहीं बोला कि तुम स्कूल जाओ जिम बंद करो, ऐसा भी मुझे बोला स्कूल ना जाओ कोई बात नहीं तुम जिम प्रैक्टिस में जाओ, क्योंकि हमेशा था तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, कोई प्रेशर नहीं। क्योंकि हम बहुत सारे बच्चे को ऐसे देखा कि 9-10 की जब आती है तो उनको बोलते तुम बंद कर दो क्योंकि बोर्ड के एग्जाम आते हैं। मेरा ऐसे भी नहीं था, मैं बोर्ड के लास्ट 5 डेज पहले भी जिम जाती थी, और मुझे बहुत अच्छा लगता क्योंकि मुझे लगता है जो स्पोर्ट्स पर्सन है इंटेलिजेंट ही होते हैं। मतलब वो जो एक ट्रांजिशन था नंदी सर कोच ने, मतलब सर ने जो एक रिस्क लिया कि आप ट्राई करो प्रोटोनोवा वो बोर्ड, मतलब उनका खैर वही शायद सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि आप अपने बोर्ड में कंफर्टेबल थे लेकिन अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकल के फिर वो एक अच्छा सा एक एक्सपेरिमेंट, फिर वो भी खैर हाँ वो बात है, क्योंकि सर ने इसीलिए वो डिफिकल्टी लिया, जो उसके बेसिक्स होते स्टेप स्टेप, वो स्टेप बाय स्टेप सर ने बहुत अच्छे से मुझे कराया था, और वो स्टेप बाय स्टेप इतना स्ट्रांग कराया था सर ने कि मुझे बाद में इतना ज्यादा प्रॉब्लम ही नहीं आया। अच्छा, क्योंकि आप सबने बहुत सारे न्यूज में और सारे बहुत, क्योंकि प्रोदनोवा को डेथ ऑफ वॉल्ट नाम दिया, डेथ ऑफ वॉल्ट वो बिल्कुल भी नहीं है, वो नाम दे दिया आपके लिए, आप यू प्रैक्टिस एट दैट लेवल, वो तो वो बात है। बट देखिए अगर हम हर एक चीज में जब बेसिक स्ट्रांग करते हैं, एजुकेशन भी हो या हर एक गेम हर एक स्पोर्ट्स कहीं भी, अगर हम बेसिक स्ट्रांग करते एक स्टेप बाय स्टेप चले तो हर एक चीज इजी होती है। अगर हम स्टेप बाय स्टेप ना चल के पहले हम 10 स्टेप में पहुंच जाएंगे तो हमेशा वो डिफिकल्टी जिससे हाँ, क्योंकि क्रिकेट वगैरह भी देखो वो भी डिफिकल्टी, बॉल इतना हार्ड होता है, अगर आप सिर पे लग जाए उसको भी कुछ हो सकते हैं। तो मुझे लगता है हर एक गेम हर एक चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है, बट अगर आप उसकी बेसिक को स्ट्रांग करें तो बहुत ज्यादा। तो मुझे भी नंदी सर ने उसकी बेसिक को इतना ज्यादा स्ट्रांग कराया था, तो आई थिंक मेरे अभी तक मेरे लाइफ की जर्नी की मेरे बेस्ट वॉल डे में कभी भी कर सकते हो, सो के उठ के भी कर सकते हो, बिना वार्म अप के भी कर सकते हो, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था वो वॉल करना। और उसके पीछे वो था क्योंकि वो वॉल्ट इतना हाईएस्ट स्कोर था, अगर मैं उस वॉल्ट को करूँ तो मेडल बहुत ज्यादा इजी होता था। जो ओलंपिक में भी जब मैंने क्वालिफाई किया था तो आई थिंक मेरे पास एक स्ट्रांग यही था प्रोदनोवा, क्योंकि उसमें मैं बहुत ज्यादा पॉइंट ले सकती थी, तो इससे मेरा अदर एपरेटस ये ज्यादा स्ट्रांग था। और तो आई थिंक सर ने जो चूज किया बहुत अच्छा किया, तो इसलिए आज सब जिमनास्टिक को जाने। बिल्कुल, आप मतलब जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा सक्सेस, राइट? बिल्कुल, टेक सम फ्यू कैलकुलेटेड रिस्क एंड यू आर, मुझे तो लगता है लाइफ में बिना रिस्क की कुछ नहीं, कभी कभी रिस्क लेना भी पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किसी ना किसी गर्जियन को रहता है कि डॉक्टर एंड इंजीनियर बनो, ठीक है, अगर बैकग्राउंड रहता है तो भी नहीं बोलते कि बेटा तुम स्पोर्ट्स में जाओ। खैर पहले में आपके पापा ने आपको इतना मोटिवेट किया कि जाओ तुम जो भी करना चाहते हो करो, भाई आप देखिए। हाँ वो बात तो सही है, बहुत सारे गार्जियन पेरेंट्स जैसे
स्पोर्ट्स पर्सन होके भी उनके बच्चे को नहीं डालते उसके, हाँ वो बात है, बट देखिए हर एक की सोच तो अलग है क्योंकि सबकी सोच सेम हो नहीं सकते। बट मेरे पापा वैसे ही बहुत ज्यादा मतलब डिफरेंट है, वो हर एक लोगों से बहुत ज्यादा ही है। और पहली बात तो वैसे मेरे फैमिली में सिर्फ पापा नहीं, मेरी बुआ, मेरी कजन्स, मेरी फूफा जी, वो सब लोग स्पोर्ट्स पर्सन। अच्छा, कोई जिमनास्ट, अच्छा, कोई स्विमर, कोई वेट लिफ्टर, कोई स्विमर, मतलब सब लोग ऐसे। जैसे हम घर पे भी बात करते हैं ना, तब भी गॉसिप भी हमारे स्पोर्ट्स के ऊपर ही होते हैं। तो वो ज्यादा हमारे लिए था कि कभी भी कुछ भी बात दो वो स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो होता था। तो आई थिंक वो ज्यादा मेरे लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। और पहली बात वो था कि प्रेशर नहीं था, क्योंकि आज की जो जनरेशन की मैं देखती हूँ बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाते हैं उनको, क्योंकि एक तो ट्यूशन होते हैं 4-5 ट्यूशंस, फिर उनके अगर स्पोर्ट्स में भी डालो उनके ऊपर प्रेशर रहता है, क्योंकि उनको उनको बोलते हैं आपके ऊपर इतने ज्यादा हम इन्वॉल्व हो रहे हैं, इनका आपके एजुकेशन को इतना लॉस करके डाल देते, उसको प्रेशर डाल देते कि आपको करना ही है, करना ही। तो उस प्रेशर में बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं कभी कभी, कभी नहीं, मैं बहुत ज्यादा टाइम में देखा प्रेशर से बहुत चीज खराब हो जाते। तो आई थिंक वो अगर कोई भी स्पोर्ट्स फैमिली से बिलोंग करे ना करे, तभी बच्चे को स्पोर्ट्स में डालना चाहिए, इसलिए क्योंकि उसकी बॉडी फिट रहती है, क्योंकि आज का हम इतना अनहेल्दी खाना खाते हैं, तो इसलिए हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा फैट आ जाती है और बहुत ज्यादा लेजीनेस आ जाती है। अगर हम हाफ एन आवर 45 मिनट्स भी एक्सरसाइज करें बच्चे लोगों को, तो बहुत ज्यादा हमारी फिट रहेगा, और जो हम जो भी चीज के लिए काम करेंगे या कोई जॉब भी करेंगे तो हमारे मन बहुत अच्छे से लगे रहते हैं, और नॉट आउट अब एजुकेशन में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाए। क्योंकि मैं एग्जांपल इसलिए देना चाहूंगी, अभी जस्ट रिसेंट अभी 10th की बोर्ड की एग्जाम रहा, जो प्रियंका दास गुप्ता है आपको पता होगा, रिसेंटली वो खेलो इंडिया में 4 गोल्ड, इस साल में उसने 7 गोल्ड लिया, जूनियर है वो, 10th की एग्जाम दिया, उसको मैथमेटिक्स में 90 आया, आप सोच भी नहीं सकते, और उसको परसेंटेज 82% कुछ है, 82 या 80 कुछ, और उसको 2 या 3 लेटर आया। तो क्यों वो, क्योंकि जब उसको एग्जाम से 7 डेज पहले वो जिम आया, उसका कंपटीशन खत्म कर, हमने बोला अब पढ़ाई कर लो, बोले मुझे इस टाइम में पढ़ाई होता ही नहीं दीदी। तो उसके बाद अगर उसने इतना अच्छा रिजल्ट किया तो मतलब नॉट आउट, मुझे लगता है स्पोर्ट्स पर्सन बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। बहुत प्रोबेबली दैट वाज द मोस्ट क्या प्राउडेस्ट मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, दैट फ्यू सेकंड्स। आपने जो वो 3-20 सालों से इतना मेहनत कर रहे थे, तो उस जिस दिन आपका गेम है, प्रोबेबली इट वाज ऑन संडे 2016 मतलब जो मैं बोलना चाहता था, आप जस्ट पहले के रात को आपका माइंड सेट क्या था? देखिए पहली बात तो वो था कि मुझे पता ही नहीं था इंडिया में क्या हो रही थी, मेरे पास ना फोन था ना मेरे पास, क्योंकि जो सोशल मीडिया में क्या चल रहा है मेरे पास कुछ नहीं पता था मेरे, क्योंकि बीच में 7 डेज था और 7 डेज में मेरा बर्थडे भी आया था, तो मुझे सिर्फ घर से बात हुआ थोड़ा सा, कैसे हो, कैसे करना है, अच्छे से करो जो भी है, बस इतना ही बात हुआ और कुछ बात नहीं हुआ, और मुझे कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। जैसे मेरा, क्योंकि मैंने 8th में क्वालिफाई किया था ओलंपिक्स क्वालिफिकेशन के दिन, उसके बाद मुझे सर ने बोला कि आज तुम तुम्हारे लिए खेलो, अगर हम खराब भी करेंगे 8th में रहेंगे, अच्छा करेंगे तो शायद आगे आ सकते, क्योंकि सबसे ज्यादा कोच की डर रहते हैं, क्योंकि अगर हम बाद में जिम जाएंगे अच्छा भी करेंगे उनसे अच्छा ही सुनेंगे, खराब करेंगे उनसे डांट पड़ेगी। तो मेरे लिए वो था कि जब सर ने बोल दिया तुम तुम्हारे लिए करो, तो एक तरफ से मैं फ्री हो गई थी, और मुझे ऐसा था कि मैं इतने दिन लास्ट इतने मतलब 3-4 मंथ से पूरा ट्रेनिंग चल रहा था सिर्फ इस दिन के लिए, और मतलब 20 ईयर से नॉट आउट में जिमनास्टिक कर रही हूँ, और मतलब एक जो पीक पीरियड चलता है, पीक पीरियड का जो ट्रेनिंग होते हैं वो मेरा आई थिंक 100 डेज का था, वो इतना हार्ड वर्क के बाद अगर हम अपने वर्ल्ड को अच्छा नहीं दे पाए तो खुद को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। आप लगभग कितने कितने घंटे करते थे? मैं डेली मेरे ट्रेनिंग ओलंपिक के टाइम में कम से कम 8-8.5 ईयर हो जाता था पूरे, मॉर्निंग 9:00 to 12:30 1 भी हो जाता, और इवनिंग 5:00 to 8:30 9 भी हो जाता,
तो बहुत ज्यादा मतलब और ज्यादा वॉल्टिंग पे फोकस था हमारा, क्योंकि वर्ष में हम मेडल ले सकता था, तो वो सब हिसाब से इतना हार्ड वर्क मैंने किया, सर ने किया, उनके फैमिली को सैक्रिफाइस करके, क्योंकि उनके मतलब मेरी हमारी मैडम और उनकी वाइफ, सर की वाइफ और बेटा दोनों यहाँ पे रहते, सर मेरे लिए ट्रेनिंग करने के लिए दिल्ली रहता था, क्योंकि वो सब चीज में हमें बहुत ज्यादा, मैं सर को भी देखा, कभी मूड हो बहुत ज्यादा था, मतलब कभी हो जाते, फैमिली की भी याद आती, हमें भी आते, तो अगर ये सब सैक्रिफाइस करके हमने सिर्फ ट्रेनिंग किया तो उस दिन हमें अपना बेस्ट देने की, मेरा वही था, मैं सच में बोलूं बिल्कुल भी टेंशन नहीं था, क्योंकि मुझे पता था मेडल बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मतलब ऐसे मतलब ओलंपिक मेडल सब थे जो लास्ट दो ओलंपिक वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल थे, उसमें तो मैं नया न्यू फेस मेरा है, तो मतलब उनके साथ जब मैं स्टेज में गई, मेरा वही मेरे लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि सिमन बाइज वगैरह बहुत, अब मुझे ऐसा था अपना बेस्ट देना है, कुछ नहीं अपना बेस्ट करके आ जाना है, बस जो होगा बाद में रिजल्ट लिखा जाएगा, तो मैं वही सोच के अपना बेस्ट किया था और बिल्कुल भी टेंशन नहीं था। जैसे ही मेरा वॉल्ट खत्म हुआ, जैसे मैंने देखा मैं सेकेंड में थी और बाद में भी दो लड़कियां थी, क्रिश्चियन और सिमन बाइज, तो मुझे पता चला हम फोर्थ में चले जाएंगे, तो मैंने सर को तब तुरंत बोला, सर हमने तो मेडल जीता नहीं, कोई तो आएगा नहीं हमें लेने अभी एयरपोर्ट, तो हम टैक्सी पकड़ेंगे और चले जाएंगे और जल्दी जल्दी घर चले जाएंगे, क्योंकि मेरा एग्जाम भी था उसके बाद, उसी मेरे 21st को एग्जाम भी था, तो मैं ऐसे ही बोली सर मुझे जाके एग्जाम भी देना है, क्योंकि मेरा ये आई थिंक थर्ड सेमेस्टर था, तो वो भी देना है। फिर उस टाइम मुझे सर ने बताया कि बेटा तुम्हें पता ही नहीं क्या हो रहा है इंडिया में, कि ऐसे ऐसे सब पागल है, और फिर मैंने देखा इतने सारे ट्वीट सब कि ऐसे होगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सच में जब पहुंची, जब मैं एयरपोर्ट में आई, तो मतलब एयर होस्टेस सब लोग इतने ज्यादा खुश थे, सब बोल रहे थे अब वही होना जो प्रोदनोवा करते ऐसे होगा, मैं मुझे बहुत अच्छा लगा कि फाइनली बाहर की कंट्रीज लोग भी हमें हमसे बोल रहे हमारे दिन, और एक तो ऑडियंस ऐसा था हमारे पास भाग के आया, वो लैपटॉप ले आईपैड में लेके वो त्रिपुरा ढूंढे और वो दिखाया मैप में ऐसे जगह पे, और वो बोल रहा था वहां पे सिर्फ हिली है, आप कहाँ पे करते हो जिमना, मैं बोला ऐसा नहीं, वहां पे भी ग्राउंड है, नॉर्मल फेस भी है, हम वहां पे जिम भी है, हम ट्रेनिंग करते, तो मतलब आप सोच सकते हो वहां पे बैठ के लोग कहाँ कहाँ, और हमारे उस टाइम की जो टीम की स्टेट कमीशन थी वो भी आए हमारे साथ, गले मिले, बात किया, तो मतलब बहुत अच्छा लगा वो सब चीज हमें देख के। फिर तो एग्जाम थी उसके बाद, और मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रही थी। मैं ऐड करना चाहता हूँ कि आप उधर से आए, फिर जब आप अगरतला में आए, आप वो अस्तबल में आपका चल रहा था, फिर मम्मी ने जाके नोट्स दिया, ठीक है, फिर मतलब इतना सब कुछ चल रहा है, आप जस्ट आए, वाओ, मतलब हाई पर क्या बोलू। फिर अगले दिन नेक्स्ट डे एग्जाम था, नेक्स्ट डे एग्जाम था, और द बेस्ट पार्ट वॉज देट आपने, मैं खैर तब क्लास 11th में था, जेई का प्रिपरेशन वगैरह चल रहा था, मतलब आई वाज लाइक कल एग्जाम है, आज आई ओलंपिक खेल के कैसे दिखी, कैसे करेगी, एंड ऑन दैट नेक्स्ट डे मतलब 5:30 बजे आपका फोन आता है, मम्मी के फोन में, आपको शायद याद हो, हाँ, हाँ, मैंने फोन किया, मुझे नोट, और क्या, और क्या क्या चाहिए, कैन यू इमेजिन, मतलब he was, I mean, wow, that level of dedication is like, मतलब मैं सो रहा था, मम्मी भी सो रहा था, फिर फोन है, फिर मैंने बोला तुम्हारी फोन है, shit, I was like, how, ये कैसे हो सकता है, आपको पता नहीं होगा, मैं सच में मैं पूरे दिन पढ़ती नहीं हूँ, वैसे भी मुझे बैठता नहीं है, मैं रात को ही बैठती हूँ, और उस दिन ऐसा था, मैं रात को भी नहीं बैठ पाई, शायद 11 या 12 बजे के बाद, कैसे बैठ पाऊँ, इतने ज्यादा रिपोर्टर्स बैठे थे, खाना खाने की भी टाइम नहीं था, एक तो ऐसा था रिपोर्टर वो दरवाजा के सामने जाके खड़ा था, बोले बस 10 मिनट आधा घंटे का, ठीक है, बोले मुझे बहुत मतलब ऐसा था, देखिए मैं जब आ रही थी मेरे पास कुछ नोट्स था, मम्मी ने भेज दिया था कोरियर करके, दीदी से लेकर, नमिता दीदी से लेकर, क्योंकि मैं कोई ट्यूशन नहीं जा पाई थी। फिर मैं जब वापस आ रही थी, वो बहुत लॉन्ग टर्म की फ्लाइट थी, 21 आवर्स की, एक तो 14 की, एक 7 की, ऐसे था, तो मैं फ्लाइट में भी बैठ के थोड़ा पढ़ी, wow. क्या 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 मुझे थोड़ा नॉलेज तो चाहिए, मैं क्या लिखूंगी जाके, और एक्साइटमेंट, मैं जस्ट आ रहा हूँ, खैर जब पता चलता है कंट्री में इतना चल रहा है कि आप आ रही हो, सब लोग वेट कर रहे हैं, आपको खैर पता ही नहीं होगा ये सब क्या, मतलब
सच में बहुत मेरे लिए वो बहुत ज्यादा अच्छा भी रहा, थोड़ा टफ टाइम भी रहा मेरे लिए। और फिर मैंने थोड़ा फ्लाइट में पड़ी, फिर मैं जब घर आई तो इतने ज्यादा कोई मतलब रिपोर्टर जाए, रात को 10:30 बज गए थे, अभी सब बोले अब तो इसको छोड़ दो, मतलब पापा बोले इसको छोड़। फिर मैं फ्रेश हुआ, खाना वाना खाया, फिर मैं रात को आई थिंक 11:30 या 12 o'clock बैठी। मैं सुबह 8 बजे उठी वहां से, जितना मुझे मतलब जितना नॉलेज ले पाई उसकी तुरंत ही मैंने नमिता दीदी को फोन किया और बोला दीदी और क्या क्या है और कुछ इम्पोर्टेंट है क्या, मतलब मुझे बहुत ज्यादा ऐसे है। मैं पूरे रात पढ़ती हूँ एग्जाम से पहले, मैं पूरे साल बिल्कुल भी नहीं मुझे याद ही नहीं रहता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं एग्जाम से पहले 2-3 दिन जो पढ़ती हूँ मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा रहते होती है, मैं ज्यादा उसमें लिख पाती हूँ। और मैंने पूरे रात पढ़ा और जो खत्म कर लिया उसके बाद मुझे लगा और कुछ इम्पोर्टेंट है क्या, ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब मैं सुबह तब भी उठ के अभी तो खैर पढ़ना होगा, इससे मोटिव मतलब इससे ज्यादा कुछ पुश क्या हो सकता है। खैर फिर मैंने जब यूनिवर्सिटी गई तो उसके बाद वहां पे फेलिसिएशन किया, इतना भी इतने मिलियन, उसके बाद वो सब लोग क्लासरूम में भी जाना चाह रहे थे, बहुत ज्यादा मुझे डांटे भी सारे बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट थी, बिल्कुल अंदर नहीं है मेरे लिए, और 10 लोगों को क्यों डिस्टर्ब हो, क्योंकि वो एक डिस्टर्ब हो ही जाते, मतलब मैं भी उस जगह में रहती हो जाती, क्योंकि जब हम कोई लिखते अचानक से कोई आते तो एक अरे ये कौन है और कैमरे वगैरह लेके, तो मुझे बहुत ज्यादा वो था। फाइनली उसके बाद मेरा लगेली मेरे वो डेट भी इतने अच्छे से पड़ी थी मुझे 29th August को, वो तो और भी ज्यादा टफ था मेरे लिए वो एग्जाम, मुझे लगा था मैं छोड़ ही दूंगी शायद, मैं दे ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि 29th August को मुझे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था और मेरे सर को द्रोणाचार्य, और हम पूरे फैमिली गए थे दिल्ली, और मतलब मैं 27 को गई थी, 26 को मैं एग्जाम दिया, मैं 27 की मॉर्निंग फ्लाइट लेके गई थी, जो 10:10 की फ्लाइट होते वो लेके मैं गई, वहां से मेरा और एक फेलिसिएशन था, मैं गई थी उसके बाद, फिर आई 28 को वापस दिल्ली, मैंने 29 को वो लिया, 30 की मॉर्निंग फ्लाइट को लिया जो 6:10 को आते, फिर 1:30 से मैं एग्जाम में बैठी, मतलब वो उसी दिन एग्जाम था, मतलब अगर फ्लाइट लेट होता तो मेरे लिए वो एग्जाम चला जाता, मतलब इतना ज्यादा, एक तो आपको 6:10 की फ्लाइट होते तो हमें 2-3 बजे निकालना पड़ते, एक तो वो था, और पूरे मतलब और पूरा ट्रैवलिंग था, क्योंकि वहां पे वो जो टाइम था बहुत पिक पीरियड था, सब लोग चाह रहे थे बात करना वगैरह, तो हमने बात किया, मतलब इतने ज्यादा मतलब मैं सोचती मैं भूल ही गई कि था। फिर मैं घर पहुंची 10:30 बजे, मैं 10:30 बजे से मतलब नहा धो के मैं 11 बजे से 1 बजे तक पढ़ी, फिर मैं डायरेक्ट पहुंची, मतलब उस टाइम जो नोमिता दीदी प्रियंका वगैरह सब थे मेरे हॉल पे, कोई नहीं थे, पहली बात वो था, मैं किसी बात भी नहीं कर सकती, ऐसे बात तो नहीं करती तब भी थोड़ा सा जो भी होते, मतलब ऐसा था, एक तो मुझे इतना नींद आ रहा था, मतलब मेरी मम्मी बोले छोड़ दो कोई बात नहीं नेक्स्ट ईयर दे देना, मैं बोला नहीं, इतना मेरे पास इतने अच्छे नोट्स वगैरह मैं कैसे इसको छोड़ती, तो मुझे पता था दीदी लोग नेक्स्ट ईयर नहीं रहेंगे तो मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने बोला नहीं मुझे देना है उसको, और मैं फाइनल जो भी करके दिया, और मुझे इतना अच्छा लगता है जब मैंने मास्टर डिग्री कंप्लीट किया मेरा परसेंटेज था 7.2 और मैं वो देख के इतना खुश हो गई कि सच में मतलब, और मेरा थोड़ा सा अच्छा है कि मैं बहुत पहले क्वेश्चंस पेपर बहुत सारे ईयर की मैं देखती हूँ ढूंढती हूँ, और जो मैं थोड़ा बहुत ज्यादा स्मार्ट वर्क करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, कि अगर 4 क्वेश्चन में मैं ज्यादा ज्यादा 5 या 6 ही पढ़ती हूँ, और मुझे लगता है वो 4 में 4 भी आ जाते हैं, तो वो सब चीज मुझे बहुत अच्छा हेल्पफुल करते हैं, आई थिंक गॉड गिफ्टेड। खैर आप एक जो इंजरी हुआ था जस्ट आपके वो पद्मश्री अवार्ड के जस्ट पहले, वो इंजरी एक्चुअली क्या था, वो कैसे हुआ था? हाँ वो प्रैक्टिस के तुरंत ही मुझे हुआ था 2017 में हुआ था, ACL सर्जरी हुआ था, स्पोर्ट्स में इंजरी तो होता ही रहता है, और हमारे जैसे स्पोर्ट्स और जिमनास्टिक्स उसमें बहुत ज्यादा मतलब ऐसे होते ही रहते, बट हो गए थे, मेरा पहले से ही था मुझे पता नहीं चला, तो तुरंत अचानक से मुझे हो गया था, तो हाँ उसके बाद मैंने 1 साल मुझे गैप हो रहा, फिर परफॉर्मेंस था, तो मुझे लगता है कभी हमें बुरा टाइम भी आते अच्छे टाइम भी आते, आई थिंक दोनों चीज को हमें पॉजिटिव वे में लेके, कभी नेगेटिवनेस को ना लेके पॉजिटिव वे में लेके हमें ऐसे लगना चाहिए, जो जो हमारी जब इंजरी पीरियड में हमें
जो जो चीज हमारे अंदर कम है, जैसे कोई भी बॉडी पार्ट्स की हमारी स्ट्रेंथनिंग पावर, जैसे अपर बॉडी को, लोअर, हर एक चीज को हमें उस टाइम यूज करके और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए कि आगे इंजुरी ना। हाँ बिल्कुल, लेट्स डू दैट Q&A सेशन, बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, एक्चुअली गाइज ये वीडियो थोड़ा लंबा चला गया, दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑफ दैट Q&A एंड दैट फनी गेम। इन दैट Q&A वीडियो शी आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चंस वेरी क्लियरली। शी आंसर्ड फ्रॉम हर फेवरेट फूड टू हर रिसेंट क्रश। सो इफ यू लाइक दिस इनिशिएटिव, सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू सी द Q&A पार्ट एंड दैट फनी गेम। एंड खैर लाइफ अपडेट ये है कि मेरे जो बड़े मौसी है, शी हैड बीन टेस्टेड कोविड पॉजिटिव। गाइस जस्ट प्रे फॉर हर सो दैट वो घर बहुत जल्दी वापस आ जाए। उनका घर मेरे घर से जस्ट 1 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस में होगा। एंड फॉर दैट पॉजिटिव केस मुझे क्या फेस करना हुआ, मेरे फैमिली को एंड ऑल्सो हर करेंट सिचुएशन, अभी वो कहाँ है, अभी उनकी तबीयत कैसे, एवरीथिंग एंड डिटेल वीडियो विल बी अपलोडेड इन आवर व्लॉगिंग चैनल। ऑब्वियसली मैं इस चैनल पे उसके बारे में बात नहीं कर सकता। लिंक ऑफ दैट व्लॉगिंग चैनल विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। सो साइनिंग ऑफ फ्रॉम Hardef Academy, दिस इज योर प्रतीक, सी यू इन द Q&A वीडियो, बाय। We'll be right back.